तो आज का जो टॉपिक है वो है थ्रोट की एग्जामिनेशन। थ्रोट की एग्जामिनेशन के लिए आपको सबसे पहले जो है अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाना है। कुछ प्री रिक्विजिट होते हैं जो के लेने पड़ते हैं। तो फर्स्ट इंट्रोड्यूस यूर सेल्फ कि मैं डॉक्टर अक्सा हूँ, मैं आपके गले का मुआयना करना चाहती हूँ, क्या आपकी इजाज़त है। उसके बाद एक्सप्लेन द प्रोसीजर, जो जिस तरह भी आप परफॉर्म करेंगे पेशेंट पे, उसको पेशेंट को कॉन्फिडेंस में लाने के लिए उसको सारी चीज़ों को आपको एक्सप्लेन करना है। थर्ड वन इज टेक द कॉन्सेंट, जो कि हमने पहले ही परमिशन ले ली है। देन सिट इन अ प्रॉपर पोजिशन। अब मैंने आपको पहले जो वीडियोस बनाई थी वो थी ईयर की एग्जामिनेशन की, उसमें पेशेंट को हम साइड वे में बिठाते हैं, पर थ्रोट की एग्जामिनेशन में पेशेंट आपके बिल्कुल फ्रंट में होना चाहिए। अब जब मैंने पोजीशन की बात की तो उसमें ये बात भी जहन में रखना बहुत ज़रूरी है कि जब डॉक्टर एंड पेशेंट आमने सामने बैठे हैं तो डॉक्टर की जो लेग्स है वो राइट साइड ऑफ द पेशेंट पे होनी चाहिए और पेशेंट की जो लेग्स हैं वो दूसरी तरफ होनी चाहिए। तो इस तरह जो है पेशेंट भी कंफर्टेबल होता है और आप भी आसानी से एग्जामिन करते हैं। उसके बाद सबसे अहम इम्पॉर्टेंट बात है इल्यूमिनेशन, यानी कि उस पार्ट को इल्यूमिनेट करना जो कि आप एग्जामिन कर रहे हैं। उसके लिए आपको हेडलाइट पहननी पड़ती है, लाइट को फोकस करना पड़ता है उस पार्ट पे। उसके बाद जो है आप जो है पेशेंट से 1 आर्म डिस्टेंस की दूरी पे हो, तो ये भी चीज़ ज़रूरी है। देन फर्स्टली हम जो स्टार्ट करेंगे एग्जामिनेशन तो वो होगी एक्सटर्नल एग्जामिनेशन। अब एक्सटर्नल एग्जामिनेशन में एक्सटर्नली जो है आप लिप्स को देख रहे हैं, उसके अलावा सब मैंडिबुलर रीजन, मैक्सिलरी रीजन, मैंडिबुलर रीजन, तो उनमें सिंपली आप देखेंगे कि सब मैंडिबुलर रीजन में कोई सॉइलिंग तो नहीं है, या मैक्सिलरी रीजन में अपर जाह में कोई सॉइलिंग तो नहीं है, कोई डिजीज़ है जिसने अपर जाह में सॉइलिंग कर दी है। तो इसी तरह आप जो है एक्सटर्नल एग्जामिनेशन करते हैं। तो फिर हम यहाँ पे लिप्स की जो है वो एग्जामिनेशन स्टार्ट करते हैं। तो पहले आप लाइट को लिप्स पे फोकस करेंगे, वहाँ पे देखेंगे कि कोई स्कार तो नहीं है, कोई ग्रोथ, कोई सॉइलिंग, अल्सर फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें आप लिप्स पे नोटिस करेंगे। उसके अलावा मैं आपको बता दूँ कि एक पैथोलॉजी होती है जिसको कहते हैं एंगुलर जिलेटाइटिस और एंगुलर स्टोमेटाइटिस, जिसमें जो है वो रेड सॉइलिंग पेचेस बन जाते हैं ऑन द एंगल ऑफ द माउथ। तो ये चीज़ देखने के लिए हम लिप्स की एग्जामिनेशन करते हैं। अब लिप्स का कलर हो गया, उसका जो है वो कंटोर हो गया, ये सारी चीज़ें आप देखेंगे। उसके बाद जो है आप डायरेक्टली चले जाते हैं इंटरनल एग्जामिनेशन में, जो कि है ओरल कैविटी की। अब ओरल कैविटी जो है उसको पहले आप कहेंगे, पेशेंट को कहेंगे कि मुँह खोलें बेटा, पहले आप ओरल कैविटी, बड़ा मुंह खोलें, ओरल कैविटी को थारो लुक देंगे। थारो लुक देने के बाद आप जो हैं पहले वेस्टिब्यूल ऑफ द माउथ को एग्जामिन करेंगे। तो वेस्टिब्यूल की जब आप एग्जामिनेशन करेंगे तो वेस्टिब्यूल जो है इट इज़ बेसिकली अ पार्ट व्हिच इज़ प्रेजेंट बिटवीन द टीथ, चीक्स, गम्स। तो ये जो वेस्टिब्यूल होता है एंटीरोलेटरली ये कवर होता है बाय द म्यूकोसा ऑफ द लिप्स एंड द चीक्स। मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे आप देखें कि ये जो एरिया है ये एंटीरोलेटरली यानी बाहर से ये चीक्स एंड लिप्स से कवर्ड होता है, और एंटीरोमीडियली अगर देखें तो ये कवर्ड होता है टीथ एंड दी गम से। एक और पिक्चर में आपको दिखाती हूँ, ये जो पूरा एरिया है यहाँ से यहाँ तक ये ऊपर ये जो सारा एरिया है ये है वेस्टिब्यूल ऑफ द माउथ। तो इसको आप एग्जामिन करते हैं। अच्छा, वेस्टिब्यूल ऑफ द माउथ के बाद आप ओरल कैविटी प्रॉपर को एग्जामिन करते हैं। ओरल कैविटी प्रॉपर देखने के बाद आप जाते हैं ओरोफेरिंक्स में। ओरल कैविटी प्रॉपर यहाँ पे एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन करता है कि व्हाट इज़ द एनाटॉमिकल लिमिट ऑफ द ओरल कैविटी प्रॉपर, कहाँ पे वो ख़त्म होती है और कहाँ से फिर ओरोफेरिंक्स स्टार्ट होता है। तो वो होती है पॉइंट एंटीरियर टॉन्सलर पिलर। मैं आगे सारी चीज़ें और ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगी। अब जब आप ओरोफेरिंक्स पे आएंगे तो ओरोफेरिंक्स में कौन कौन सी चीज़ें आपको देखनी है, उसमें यूविला, सॉफ्ट पैलेट, पोस्टीरियर फेरेंजियल वॉल। जब आप ओरल कैविटी प्रॉपर को एग्जामिन करते हैं तो ओरल कैविटी प्रॉपर की जो एनेटमी का लिमिट होती है वो होती है एंटीरियर टॉन्सलर पिलर, यहाँ पे वो ख़त्म हो जाती है, उसके बाद ओरोफेरिंक्स स्टार्ट होता है। तो ओरोफेरिंक्स में फिर कौन सी चीज़ें आप लोग देख रहे होते हैं, सॉफ्ट पैलेट एंड द यूविला, पोस्टीरियर फेरेंजियल वॉल,
और उसके अलावा जो है वो टॉन्सिल्स, तो ये सारी चीज़ें जो है हम ओरोफेरिंक्स में एग्जामिन कर रहे होते हैं। तो इसलिए मैं आपको पहले दिखा रही हूँ, बाद में मैं प्रोसीजर करूँगी, कि आपको एक एनेटमी का आइडिया होना चाहिए। ओरल कैविटी एंड ओरोफेरिंक्स को एग्जामिन करने के बाद आप एग्जामिन करते हैं फ्लोर ऑफ द माउथ। अब फ्लोर ऑफ द माउथ में आप जो चीज़ें नोटिस करते हैं वो है फ्रेन्यूलम, जो कि एक म्यूकोजल फोल्ड है। उसके अलावा जो है ये सब लिंगुअल फोल्ड, सब मैंडिबुलर डक्ट की ओपनिंग जो कि साइड ऑफ द फ्रेन्यूलम पे होती है। तो ये सारी चीज़ें फिर आप फ्लोर ऑफ द माउथ में एग्जामिन करेंगे। तो मैंने आपको एक एनेटमिकल व्यू दे दिया है, अब मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। जो भी अब वीडियोज़ होंगी उसमें प्रैक्टिकली प्रोसीजर होगा।